हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम डॉक्टर जफर अख्तर है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हो, किसी दांत में कहते हैं मसाला भराएगा और किसी दांत में कहते हैं उसका नस का इलाज होगा RCT। समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो इस मॉडल में जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे सारे सर्फेसिस अच्छे हैं, यहाँ पे कोई कीड़ा नहीं लगा, और यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3 दांतों में कीड़ा लगा हुआ है। जैसे ये दांत में कीड़ा लगा हुआ है, इसमें कीड़ा लगा हुआ है, लेकिन इसमें आप डॉक्टर बोलेगा इसमें नस का इलाज नहीं होगा, इसमें मसाला भर के हो जाएगा और इसमें नस का इलाज होगा। तो ऐसा क्यों? जैसे देख सकते हो आप, इसमें जो कीड़ा लगा हुआ था वो बस अभी ऊपर ऊपर ही है, ठीक है, ये नस तक नहीं पहुंचा। यहाँ पे नस होती है सारे दांतों की, और इसमें जो कीड़ा लगा हुआ है ये आपको पहुंच चुका आपके नसों तक। ऐसा क्यों हुआ? जैसे कि हमें थोड़ा कीड़ा लगता है, हमें दर्द होता है, हम दवा खा के आराम कर लेते हैं, तो चलो कोई बात नहीं। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे इस कंडीशन में आ जाता है, वो एकदम नस तक आपको पहुँच जाता है, फिर वहाँ इन्फेक्शन कॉज कर देता है, फिर वहाँ पे हमें नस का इलाज कराना ही पड़ता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता हमारे पास। पर इसके इलाज का खर्चा आपको आ जाएगा 500 से 1000 रुपये मैक्स टू मैक्स, और इसका आ जाएगा आपको 3 से 4 हज़ार रुपये सिर्फ RCT का। फिर इस पर क्राउन लगाओगे आप 2 से 3 हज़ार रुपये, तो आपको बड़ा खर्चा हो जाता है आप अगर नेग्लेक्ट करोगे अपने हेल्थ को। तो होपफुली इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू।